फ्री की रिक्वायरमेंट देखिए, फ्री जो मिलेगा भाई साहब आपको इसराइल में, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। टोटल की टोटल कैटेगरी यहाँ पे है, और देखिए इसराइल में मिल रही है 1,38,000 तक तनखा वाली नौकरी। बात करते हैं भाई आपको एजेंट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इसराइल के मामले में सब लोग नए हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता, जितना मर्जी पैसा मांग लेते हैं। अब ये भैया सर्च करने के बाद मैंने आपको 5-6 एड्रेस दे रहा हूँ, और अभी जनवरी में 10,000 वर्करों को वीजा दिया जाएगा, उसको कंप्लीट होने के बाद में 30,000 लोगों को वीजा दिया जाएगा। ये भाई साहब ये तो मुंह फाड़ रहे हैं अपना, 4 लाख दे दो, 5 लाख दे दो का काम है, जितना मौका जैसा गाल होगा वैसा ये थप्पड़ मारेंगे। कोशिश करिए 500 ऑफिसों में जाइए, आपसे कितना ही दूर हो, कम से कम जो पैसा ले रहा वहीं से अप्लाई करनी है। इसराइल को जरूरत है वर्करों की, वहाँ के पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें बंदे दे दो, और पैसे ऊपर से मांग रहे हैं। कंपनी तो पैसा नहीं ले रही है, मेरे से लिखित में ले लीजिए, कंपनी नहीं बोल रही है कि आपसे हम इतना पैसा लेंगे, इतना भर्ती करेंगे। कंपनी तो हाथ जोड़ रही है इंडियन लोगों के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, इंडियन लोगों को भेजो हमारे देश में, वर्करों की कमी पड़ी है, काम वहाँ पे रुका हुआ है, पैसे ऊपर से वो नहीं मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। नमस्कार साथियों, आज हम एक अच्छे बढ़िया वाले टॉपिक पे बात करेंगे भाई साहब, इसराइल का। यूरोप का चक्कर छोड़ दो, यूरोप का आपको पता है, हम बात करेंगे कि यूरोप जाने की बजाय इसराइल चले जाओ, इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि 2 लाख रुपए तक सैलरी मिलती है, वो भी नॉर्मल जॉब में, है ना। और यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे वीजा कैसे मिलेगा, ऑफिस कहाँ पे है। अभी इसराइल 1 लाख इंडियन लोगों को भर्ती करना स्टार्ट कर दिया, यानी इंटरव्यू होना स्टार्ट हो चुका है। आपने भी देखे होंगे, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के कॉल आए, तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि इसमें मैं क्लियर कर दूँ भाई, इसराइल का आज तक हमने कोई वीडियो नहीं बनाया और इसका इतना कोई था भी नहीं। अभी लेटेस्ट में एक बहुत इसराइल हमास का युद्ध होने की वजह से वहां पे वर्करों की कमी हो चुकी है, 1,36,000 टोटल वर्कर लेने हैं, जिसमें से 1 लाख इंडियन लोगों को ले जाया जाएगा, और ये शुरुआत हो चुकी है जनवरी 1 से, और जनवरी में वर्क परमिट वीजा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन के काम में भी कम से कम 1.5-1.25 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। इसकी थोड़ी भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए ना, तो भाई ये है आपको इसराइल, छोटा सा है, दूरबीन लेके देखना पड़ेगा, ये इसराइल है आपको, ठीक है जी। इधर ये समंदर आ जाता है, इधर लबनान नजदीक में लेबनान पड़ता है, इधर जॉर्डन पड़ता है, इधर थोड़ा इराक है, इधर सीरिया है, इधर थोड़ा दूर जाके मिस्र कायरा पड़ जाता है, यानी इन देशों के बीच में ये घिरा हुआ कंट्री है, मुस्लिम कंट्रियों के बीच में, और छोटी सी छोटा सा देश है। पॉपुलेशन की बात करें तो मात्र 1 मिलियन यानी 10 लाख पॉपुलेशन है, मात्र 10 लाख लोग इसराइल में रहते हैं, और 10 लाख लोगों ने पूरे वर्ल्ड में डंका बजा रखा है हर सेक्टर में। जीडीपी की बात करें ना, तो इंडिया के 140 करोड़ हैं, है ना, और इनके मात्र 10 लाख हैं, जीडीपी थोड़ा सा कम है इंडिया से, ये समझ लो। तो भाई साहब यूरोप देशों को इस देश ने फेल कर रखा है, आप माल्टा, पोलैंड, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, लगभग मैं जिन देशों में लाख रुपए सैलरी बताता हूं, वीजा मिलना हार्ड होता है, 5-7 लाख आप देते हैं, इससे बेस्ट कंट्री यह है इसराइल। आपको यहां पर 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए आराम से महीना कमाया जा सकता है कंस्ट्रक्शन नॉर्मल वर्कर में, बाकी लोग 2 लाख रुपए महीना कोई बड़ी बात नहीं इस देश में कमाना। मात्र 2023 तक 10 लाख से भी कम जनसंख्या यहां पे है, और इस देश में सबसे बड़ी बात पता है क्या है, 20,000 इंडियन अभी तक लोग रहते हैं, 20,000 इंडियन ऑलरेडी पहले यहां वहां पे काम कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर लगभग लोग हैं हेल्थ वर्कर हैं, और घरेलू जॉब में जो है ना वो ही लोग यहां पे हैं। 1,60,000 वर्करों की इनको अभी तक जरूरत है, 1,60,000 में भाई साहब 1 लाख के करीब इंडियन लोगों को यह भर्ती करने वाला है। सैलरी की बात करें तो हाई पैकेज यहां पर मिलता है कंस्ट्रक्शन के जॉब में, वहां पे वैसे डॉलर मिलेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन के जॉब में अगर सैलरी इंडियन की करेंसी बात करें तो 1,30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक महीना कमा सकते हैं ओवर टाइम करके, उससे ज्यादा भी बन सकता है। यहां पे अगर आपको जाते हैं तो कम से कम 3 साल का पासपोर्ट वैलिडिटी आपका होना जरूरी है। अभी जो इंटरव्यू आने वाली है, अभी शुरुआत हो चुकी है, इसकी मैं बात करूं, वीजा वैसे 1 साल का पासपोर्ट में लगता है यहां पे, लेकिन इसका 5 साल का अग्रीमेंट होता है, तो कितनी अच्छी बात है यहां पे, है ना। आपका वीजा के लिए सेम जैसे और यूरोप देशों का करते हैं, आपका पीसीसी लगेगा, आपका मेडिकल होगा, आपका बायोमेट्रिक होगा, ये सब कुछ आपको जिस ऑफिस के थ्रू जाओगे वो करवा देंगे। एज की बात करें तो इस देश में 25 साल से 45 साल, लास्ट कई कंपनियां 50 साल तक भी ले लेती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। वर्क एक्सपीरियंस जॉब आपका नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ये भैया यूरोप देश नहीं है, लेकिन उससे बड़ी बड़ी सैलरी मिलती है यहाँ पे, तो आप ये मत मानना कि इसराइल है तो ऐसे वीजा दे देगा, इतना भी आसान सोचते ना उतना नहीं है। विजिट टू वर्क इस देश में होता है, तो ये भी अच्छी बात है, बहुत सारे लोग विजिट में जाते हैं। और मैं बता दूं इसमें वीजा चार्जेस की आगे हम इसमें बात करने वाले हैं, लास्ट में बताऊंगा कि कितना पैसा देना चाहिए। और इसराइल के नाम से भैया धोखाधड़ी 420 भी पे हो रही है, इन चीजों का ध्यान रखिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सब से हम सब पे हम बात करेंगे। इसराइल इंडिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आती है तो इसराइल से आती है, इंडिया के बहुत सारे लोग वहां जाते हैं टेक्नोलॉजी सीख के वापस आते हैं, हमारे राजस्थान के भी बहुत सारे लोग गए हैं, हमारे यहां पर जितनी भी टेक्नोलॉजी राजस्थान में है पूरी की पूरी इसराइल से आई हुई है। कल एक बंदा मिला था, बोला मैं जिस प्लांट में काम करता हूं इसराइली प्लांट है। ये सब कुछ डिटेल में आप इस वीडियो में बताने वाला हूं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि हर रोज आपको नई अपडेट मिलती रहे। सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो डिस्कस कर सके। एक इंपॉर्टेंट न्यूज में इसमें पहले बता देता हूं भाई साहब, जिस देश की ज्यादा ट्रेंडिंग में आता है ना, फर्जीवाड़ा भी ज्यादा होने लग जाता है। ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं,
देखिए हिंदुस्तान और टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है ये बाकायदा, देखिए लिखी, देखिए इसराइल हमास वारसी फेक जो पोस्ट इन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फेक जॉब मिलने वाली है इसराइल से रिलेटेड, फ्री की रिक्वायरमेंट, देखिए फ्री जॉब मिलेगा भाई साहब आपको इसराइल में, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, टोटल की टोटल कैटेगरी यहाँ पे है और सब कुछ दिया गया है। इसको मैंने सर्च किया तो कहीं ये मैन पावर ऑफिस नहीं मिली, अपनी बुक में भी एड्रेस कहीं नहीं मिला और इसको मैंने फेक माना कि ये फेक है, इसमें कहीं एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया, ईमेल आईडी पे सब कुछ होगा, तो ये चीजें बचने की आपको जरूरत है। सबसे बड़ी बात पता है क्या, जॉब रिक्वायरमेंट देखिए इसराइल में मिल रही है 1,38,000 तक तनख्वाह वाली नौकरी, इंटरेस्टेड हैं तो ऐसे करें अप्लाई, और यहाँ पे भारत के बाहर जाकर नौकरी की इच्छा है तो मौका गंवाना नहीं चाहिए, हरियाणा सरकार जॉब के लिए 10,000 वर्कर की भर्ती करेगा। देखिए बैती गंगा में भाई साहब राज्य सरकारें हाथ धो रही हैं, इसमें राज्य सरकार का क्या रोल है आप सोचिए थोड़ा सा, फर्स्ट में 10,000 लोग लिए जाएंगे, अभी जो दिसंबर में जनवरी में 10,000 इंडियन लोगों को वीजा दिए जाएंगे और सरकार ये श्रेय ले रही है कि हम अप्लाई करवा रहे हैं, हम आपकी भर्ती करवा रहे हैं, जबकि भारत राज्य सरकार का कोई रोल इसमें नहीं रहने वाला है, आपको खुद को ये कंपनियां वीजा देगी। लेकिन क्या बैती गंगा में हाथ धो लो, हरियाणा सरकार ने तो अपने ऐड भी दे दिए, इतने कंस्ट्रक्शन चाहिए, इतने इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ये वो चाहिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ी सी बात करें जॉब से रिलेटेड तो बता दूं स्टील कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सबसे ज्यादा कैटेगरी है, टाइल फिक्सर है, मेसन है, ब्लॉक मेसन है, वॉल पेंटर है, स्टील फिक्सर है, बाकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारी जॉब यहाँ पे आने वाली है क्योंकि, और यहाँ पे इसराइल जॉब रिक्वायरमेंट में बात करें तो मैं बता दूं आपको एज की, इसमें देखिए एज की लो लिमिट है ना जी, इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आठवीं पास अप्लाई कर सकता है ना, अर्जेंटली वर्कर चाहिए एग्रीकल्चर जॉब और कंस्ट्रक्शन जॉब में। सैलरी मिलेगी आपको इसमें बता देखिए लगभग 1,00,000 से 1.5 लाख रुपए, लेकिन इसमें मैं बता दूं क्लियर कि एज की लिमिट भैया 50 साल लास्ट है, वैसे 45 साल है, एक्सपीरियंस मांगा जाएगा ठीक है जी, और 8वीं 10वीं पास मांग सकती हैं कंपनियां की, 10वीं पास हमें चाहिए, बाकी तो सब ठीक है, वीजा आपको मिल जाएगा डोंट वरी। अब ये वीजा मिलेगा कैसे, कहाँ से मिलेगा, विजिट टू वर्क जाना चाहिए, एजेंटों को कितना पैसा देना चाहिए, ये मेन सवाल आ जाता है। अब हम बात करते हैं भाई आपको एजेंट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इसराइल के मामले में सब लोग नए हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता, जितना मर्जी पैसा मांग लेते हैं, और पैसा इसलिए मांगा जाता है, ये मत समझना कि पैसा एजेंट इतना ज्यादा क्यों मांग रहे हैं, मेरी काफी लोगों से बात हो चुकी है, एक बंदा मेरे से मिलने भी आया बोले सर मैं कई ऑफिस में फोन किया 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, कई ये बोलते हैं कि 2 लाख रुपए आपको यहाँ देने हैं बाकी आपका लोन करवा देंगे, ऐसा पता नहीं अब यार विदेश जाने के मामले में लोन कौन सा हो गया ये मुझे समझ नहीं आया, 3-4 लोगों से मेरी बात हो गई, इस पर रियलिटी क्या है, वर्क परमिट का क्या इतना महंगा इसराइल का कि 4 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, है ना, यूरोप देशों के भी भैया पैसा तो आपको 5-7 लाख 10 लाख भी देते हैं, लेकिन लगता कितना है, मेन चीज ये है। तो यहां पे रिसर्च करने के बाद में मेरे पास 5-6 ऑफिस ऐसी आई हैं जहां पे ये काम आने वाला है इसराइल से रिलेटेड ठीक है जी, ये आपको मैं बता दूं ये मिलेंगे कहां पे वो भी बात कर लेंगे। देखिए रिक्वायरमेंट फॉर इसराइल दिख रहा है जी, है ना, ये तो मार्च में इसका इंटरव्यू हो चुका है ना, और अगर ये है और इधर देखिए जी इसराइल, इधर का जॉब दिया गया है, इधर भी टाइल मेसन वगैरह सब कैटेगरी दी गई है, इसराइल वांटेड फॉर है ना, सब कुछ दिख रहा है, इसमें मैंने ये लिख रखा है लाइसेंस नंबर 144 534 है ना 833, इधर भी आप देख सकते हैं इसराइल का जॉब है ना, टोटल कैटेगरी के जॉब है, सैलरी मैंने बता दी, क्लाइंट इंटरव्यू देखा पा कहते क्लाइंट शॉर्टली इंटरव्यू चल रहा है उसके बाद क्लाइंट इंटरव्यू होगा, नेक्स्ट में देख सकते हैं इंटरव्यू कहां पे होगा, तिरची में, जलंधर में, कोलकाता, सीकर, राजस्थान, मेरे सीकर में, दिल्ली में, कोची में, चेन्नई है ना, वेजाग में, जमशेदपुर में, भुवनेश्वर में, सूरत में, बॉम्बे में, इस प्रकार से इंटरव्यू दिया गया है दिल्ली वगैरह में, और ये पूरी डिटेल बहुत सारी जॉब है जिसको अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, अलग अलग वैकेंसी है, कहने का मतलब ये मिलेगा 631 नंबर है, 689 है, 434 नंबर, 484 नंबर है। अब ये भैया सर्च करने के बाद मैंने आपको 5-6 एड्रेस दे रहा हूं, आपके बहुत सारे लोगों के पास ये बुक है, इसको ओपन करना है और सीरियल नंबर आप देख लेना, एक से लेके जितने भी हैं 631 है ना, 689 है, 884 है, इन ऑफिसों में आप इनका नंबर लगता है तो इनसे बात कर लीजिए, अगर आपके नजदीक है तो इन ऑफिसों में बात कर सकते हैं, ये अथोराइज हैं, मैन पावर ऑफिस हैं। पूरी सर्च करने के बाद मुझे 5 ऑफिस मिली है भाई, 6 या 5 इतनी है, तो इनके अलावा अगर आप किसी से देखिए एजेंट तो सब है इंडिया आप इसराइल के नाम से सबके पास जॉब आई हुई है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है जो वो बताते हैं, 10,000 वर्करों को इसमें लिया जाएगा। और बता दूं पिछले मंगलवार को जो वहां के जो प्रधानमंत्री है नेतायू क्या नाम है उनका और मोदी के आपस में बात हुई है, उसके बाद में इसको फाइनल रूप दिया गया, ये श्योर हकीकत न्यूज है मैं बता दूं। और अभी जनवरी में 10,000 वर्करों को वीजा दिया जाएगा, उसको कंप्लीट होने के बाद में 30,000 लोगों को वीजा दिया जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे ये शुरुआत हो जाएगी, तो 1 लाख के करीब लोगों को लिया जाएगा अगले महीने में जनवरी में, इन काफी सारी इंटरव्यूज होने वाली हैं, तो मैन पावर ऑफिसों में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सैलरी ये मिलेगी नो डाउट, सैलरी भैया बहुत अच्छी है इसराइल में, माल्टा, पोलैंड है ना, ये जो यूरोप देशों में लाख रुपए आप जोर मार के कमा सकते हो, यहाँ पे जोर मार के 2 लाख भी कमाया जा सकता है, 1.5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए भाई साहब, आराम से यहाँ पे कमाए जा सकते हैं। अब खर्चे की बात कर लेते हैं, खर्चे के लिए अगर बात करें तो भाई साहब 4 लाख रुपए मांगा जा रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 2 लाख रुपए अगर आपसे कोई ऑफिस वाला लेता है तो दे बेस्ट है। मुझे ये समझ में नहीं आता भैया विजिट वीजा की फीस है 5,000 रुपए,
अराउंड फिगर बता रहा हूँ, कमेंट मत करना कि सर 3700 रुपए है ना, 5000 विजिट वीजा की फीस है, 1,00,000 रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए, है ना। और इसकी एम्बेसी से आप इंटरव्यू लेके वीजा लेके जा सकते हैं। और इसका वीजा की फीस 4,00,000 रुपए किस तरीके से बता रहे हैं, सेम वही है तनख्वाह ज्यादा होने की वजह से। आपने देखा होगा जो लोग गल्फ में पहले रहते थे, सऊदी बिलादीन नाम की कंपनी हुआ करती थी, 3-3 लाख रुपए लोग दुबई का सऊदी अरब में बिलादीन के नाम से देखे जाते थे, सऊदी अरबिया का बिलादीन कंपनी के नाम से फेमस थी, तनख्वाह अच्छी थी, 50-40 हज़ार रुपए वहां पे लोग कमाते थे, तो दे दे एजेंट मांग लेते कि वीजा तो फ्री था। सेम कंडीशन इसराइल की है भाई साहब, ये तो मुंह फाड़ रहे हैं अपना, 4 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, कई तो कमेंट पड़े मैंने 8 लाख मांग रहे मुंह इनका। देखिए एजेंटों का काम है जितना मौका जैसा गाल होगा वैसा ये थप्पड़ मारेंगे। कोशिश करिए 5 ऑफिसों में जाइए, चाहे आपसे कितना ही दूर हो, कम से कम जो पैसा ले रहा है वहीं से अप्लाई करनी है भाई साहब, ये हमेशा ध्यान रखना। 4 लाख बहुत ज्यादा है, अब मजबूरी में लोग देते भी हैं, इनको पता है सबको कि हमें तो देंगे, है ना, लेकिन इतना नहीं देने की जरूरत है। 2 लाख रुपए में अगर सेटल हो जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा है। भाई एक बात बताओ, आप एजेंट अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, इजराइल को जरूरत है वर्करों की, वहां के पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें बंदे दे दो, और पैसे ऊपर से मांग रहे हैं। कंपनी तो पैसा नहीं ले रही है, मेरे से लिखित में ले लीजिए, कंपनी नहीं बोल रही है कि आपसे हम इतना पैसा लेंगे तब हम भर्ती करेंगे, कंपनी तो हाथ जोड़ रही है इंडियन लोगों के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, कि इंडियन लोगों को भेजो हमारे देश में, जरूरत है। क्योंकि उससे पहले लगभग 1 लाख के करीब फिलिस्तानी थे, उनको सबको निकाल दिया, कुछ गाजापट्टी की थे 70,000-80,000-70,000 रुपए फिलिस्तानी थे, सबको निकाल दिया, वर्करों की कमी पड़ रही है, काम वहां पर रुका हुआ है, पैसे ऊपर से वो नहीं मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं एजेंट। और भाई साहब बहुत सारे एजेंट यहाँ पे करोड़पति बन जाएंगे, आप यकीन करिए, 1 लाख लोगों में हजारों एजेंट ऐसे हैं जो करोड़पति बनके अच्छा खासा जीवन उनका सेट हो जाएगा अगर आप लोगों से पैसा वसूलेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट ये कि जो कम पैसा मांगे सर्च करें, रिसर्च करें, वहीं पे अप्लाई करें। ताजिया बात, आपको एडवांस कोई ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, मैन पावर ऑफिस में 20-30-50 हज़ार रुपए दे सकते हैं, बाकी पेमेंट पूरा कंप्लीट होने के बाद में, पूरा सिस्टम वीजा लग के जब फ्लाइट होना तब पेमेंट देना है। कल ही एक बंदे से बात हो रही थी, 50,000 बंदे से पहले ले लिए बात होते ही, और 1,00,000 रुपए के शायद कुछ से एक ऑफर लेटर दिया उसके बाद ले लिए, अब बोलता है कि पैसा दो और वीजा कहाँ का बताया यार, पता नहीं एक देश था कौन सा यूरोप साइड में, हाँ रोमानिया का 3.5 लाख रुपए, अब बताओ। मैं बोला भाई तो पहले 1-1.5 लाख दे चुका है, पैसा किस बात का, उसको वर्क परमिट दिया कच्चा वो पन्ने वाला। मैं बोला पासपोर्ट में वीजा लगा नहीं, रेजिडेंट पहले पैसा मांग रहा है, चौनी मत देना, और उसको बोल पासपोर्ट में वीजा लगने के बाद, क्योंकि पहले आप दे चुके हो भाई, ये बातें जरूरी नहीं होता कि एजेंट जो मुंह से बोल रहा है वही सही है, आप बोलते हो वो भी सही होनी चाहिए। हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगती है ना तो ये बातें फॉलो करना सीख लो, वरना एजेंटों का काम है काटना, वो आपके भले के लिए काम थोड़ी कर रहे हैं, वो तो अपने भले के लिए काम कर रहे हैं। करोड़पति बन जाएंगे इसराइल वाले जॉब में, गारंटी की बात है। सबसे ज्यादा जॉब इसराइल की टीम इंडिया में खुद इंटरव्यू लेने के लिए आएगी भाई साहब, ये नहीं है कि 420 हो जाएगा, इसराइल की टीम इंडिया में आएगी, वो इंटरव्यू लेगी दिल्ली में, चेन्नई में, कलकत्ता, अलग अलग जगह पे, उनको वर्कर लेके जाने हैं, है ना, वो छांट के लेके जाएगी, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके सबको लेके जाएगी, ऐसा भी नहीं होने वाला है। 1 लाख लोग लेके जाएंगे ना तो 10 लाख लोगों में इंटरव्यू लेंगे वो, तब जाके सक्सेस होगा वो काम। तो आज के लिए इतना ही है, इससे रिलेटेड नेक्स्ट अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना भाई साहब, तभी न्यूज़ पहुंच पाएगी, वरना तो नहीं पहुंचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।